Everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss about the flame. So in the previous video we discussed about what are the type of the combustion, जिसमें हमने discuss किया था कि the type of combustion था जैसे कि rapid हो गया, spontaneous हो गया and explosion. So in this particular session we are going to discuss about the flame, and student this is very very important from the exam point of view. So you can get this as a short note or major question. You have to describe the structure of the flame. So let's begin with the chapter, the subtopics, that is the flame. Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडल बर्न कर रही है और यहाँ पे जो है एक LPG स्टोव जो है बर्न कर रहा है, जैसे कि किचन में हम देखते हैं. तो व्हाट डिफरेंस यू कैन ऑब्जर्व इज कैंडल का जो है वो येलो कलर का फ्लेम है, जबकि दिस गैस स्टोव जो है इसमें LPG बर्न कर रही है, हेयर इट इज़ द ब्लू कलर फ्लेम. सो वाई दिस डिफरेंस इज सो, वील डिस्कस ऑल दिस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. नाउ रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबर इन क्लास 7. तो हमने क्लास 7 में भी देखा था मैग्नीशियम रिबर है जो वाइट कलर की फ्लेम से जलता है. नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मैंशन वेदर ऑन बर्निंग अ मटीरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट. तो आप जो है नीचे दिए जो है टेबल है उसमें से देख सकते हो कैंडल है जो फ्लेम फॉर्म करता है, मैग्नीशियम वाइट कलर की, कैम्फर जो होता है फ्लेम फ्लेम करता है, कैरोसिन स्टोव फ्लेम करता है, जबकि जो है चारकोल वो फ्लेम नहीं देता है. नाउ लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ फ्लेम. सो फ्लेम इज़ अ रीजन वेयर कंबस्शन और बर्निंग ऑफ गैसीय सब्सटेंसेस टेक प्लेस. तो जैसे हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दिस इज़ अ फ्लेम, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे फ्लेम. सो ये फ्लेम क्या है, यहाँ पे कंबस्शन हो रही है, राइट? कंबस्शन मीन्स बर्निंग ऑफ गैसीय सब्सटेंसेस इज टेक प्लेस. कुछ जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल विच वेपराइज ऑन बीइंग हीटेड, वो जो है प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम. तो ये जो फ्लेम होती है, ये जो फ्यूल होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस, जो फ्यूल है वो कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? तो गैस में आपके पास LPG आ गया एंड बायोगैस, लिक्विड में आपके पास कैरोसिन आ गया, मस्टर्ड ऑयल आ गया, डीजल आ गया, राइट? दीज ऑल आर द फ्यूल. सॉलिड में आप जो है कैम्फर एंड वैक्स के बारे में जो है लिख सकते हैं. नाउ अब हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी 6.5, लाइट अ कैंडल, होल्ड 4 to 5 cm लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल जोन. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेंटर में एक आपको एक नॉन फ्लिकरिंग जोन मिलेगा, जबकि ये जो बाहर वाला होता है ये जो है फ्लिकरिंग जोन होता है. तो यू व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज व्हेन यू बॉट अ पेयर ऑफ टॉन्ग एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. इसको जो है आपने फ्लेम के अंदर डाल दिया है, दूसरी तरफ आप जो है एक मैस्टिक जो है जलाओगे उसके अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर वॉयल? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melt quickly. तो हम देखेंगे कि ये जो है कैंडल की जो विक है वो बहुत जल्दी जो है melt. यहाँ पे आपने देखा कि जैसे आप कैंडल के बीच में जो है एक टेस्ट ट्यूब लेके आए हो, दूसरी जगह पे आप क्या देख रहे हो कि अगर आप जो है ग्लास स्लाइड लेके आओगे, हियर यू कैन सी दिस, दिस इज़ अ ग्लास स्लाइड. जब आप इसको फ्लेम के ऊपर रखोगे तो यू विल सी यहाँ पे ऐसे का ब्लैक कलर के धब्बे से बन जाते हैं, राइट? सो व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन. ल्यूमिनस जोन वो होता है जो कि हमें लाइट गिविंग फ्लेम रीजन होता है, लाइट गिविंग रीजन ऑफ द फ्लेम. नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो कि लाइट हमें नहीं देता है, राइट? नॉन लाइट गिविंग फ्लेम, राइट? नाउ होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग फॉर 10 सेकेंड, देन रिमूव इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हमने देखा ये जो इस तरीके से ग्लास स्लैब है वो जो है काली हो गई है. सो नाउ सबसे पहले हम जो ये एक्टिविटी से ये हमें पता चला कि द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग दे गिव ऑफ द फ्लेम. तो ऐसी सब्सटेंसेस जो वेपर बनाती हैं वो जो है फ्लेम बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स, व्हेन दे प्रोड्यूस अ फ्लेम
when the molten wax rise through the wick and vaporized. तो जब हम देखते हैं फ्लेम में जो है जो ये molten wax होती है ये rise करती है, तो जब जलती है इसके vapors बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है किसी भी ये जो है फिर जलना शुरू हो जाती है. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick. तो हम देखते हैं दिए में भी जो है इस तरीके की हमने कॉटन की बनाई होती है, तो यहाँ पे ऑयल होता है, ये ऑयल धीरे धीरे करके इस कॉटन के विक के थ्रू जो है राइज करता है, इसके वेपर्स बनते हैं ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम, इसकी वजह से जो है ये लॉ बनती है. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. तो जो है चारकोल है उसका फ्लेम नहीं बनता है क्योंकि वो वेपराइज नहीं करता है. इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस. तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, नाउ लेट मी सी टेल यू, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो धीरे धीरे जो है ग्लास ट्यूब जो है मेल्ट हो गई है, जिसकी वजह से उसके वेपर्स बनने शुरू हो गए एंड इट स्टार्टेड बर्निंग. नाउ होल्ड अ थिन लॉन्ग वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप इसने कॉपर जो है की वायर ली और इसको जो आपने नॉन ल्यूमिनस जोन जो कि काला वाला जोन है उसमें जो है आपने कॉपर वायर को रखा. नोटिस एट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रॉड हॉट डज इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज द हाई टेम्परेचर. इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट. तो हम यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि ये जो है टाइप ऑफ जो फ्लेम बनती है वो किस लिए बनती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जहाँ पे सफिशेंट ऑक्सीजन होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ब्लू फ्लेम होगी, जैसे कि LPG हो गया आपका, कंप्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस. वहाँ पे जो हम आप घर में जो हम गैस का चूल्हा बनाते हैं वहाँ पे सफिशेंट ऑक्सीजन होती है, सो दैट्स व्हाई दैट गिव्स द ब्लू फ्लेम. इनसफिशेंट ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, येलो फ्लेम. सो ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल, वहाँ पे आपको जो है येलो फ्लेम मिलेगी. जैसे कि वैक्स हो गया, जब इनकम्प्लीट कम्बशन होती है वैक्स की या केरोसिन की, ठीक है, तो जब आप देखते हो कैंडल में जो है जो आपको येलो कलर का फ्लेम मिलता है, इवन केरोसिन जो दिया जलाते हैं उसका भी जो होता है येलो कलर का फ्लेम होता है. तो जो ल्यूमिनस फ्लेम होता है दैट इज़ द लाइट गिविंग फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस जो नॉन लाइट गिविंग फ्लेम होता है. ठीक है, तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम. तो जो डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम है आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आउटर जोन होता है, दिस इज़ दी, हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, दिस इज़ दी आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, दिस इज़ दी ब्लू. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होती है वहाँ पे ब्लू कलर का फ्लेम बनता है. एंड दिस इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट, विच इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, इट इज़ दी आउटर जोन, जिसको हम ब्लू जोन भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस, सो दैट्स वाई इट गिव्स दी ब्लू फ्लेम एंड इट इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. द अदर इज दैट इज़ दी मिडल जोन और पार्शियल कम्बस्टन, जिसको हम येलो पार्ट बोलते हैं, ये जो है मॉडरेटली हॉट होता है. ब्लू धीरे धीरे देख सकते हो आप, ये हमें दिखता नहीं है लेकिन इसके जो साइड वाला जोन होता है ना, सो दैट इज़ द हॉटेस्ट, जो मिडल वाला होता है दिस इज़ द पार्शियल कम्बस्टन जो कि येलो कलर का दिखता है, जिसको हम मॉडरेटली हॉट बोलते हैं. तीसरा होता है इनर मोस्ट जोन और अनबर्नड वैक्स वेपर, जिसमें ब्लैक कलर का दिखता है. आप जो अंदर वाला ये देख सकते हो, ये ब्लैक पार्ट होता है. जैसे ही हम किसी रॉड को इसके यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये जो रॉड है वो ब्लैक हो जाएगी, उसमें अनबर्नड पार्टिकल जो है उस रॉड को अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. ठीक है, इसलिए वो जो है काला धुआं छोड़ती है. हमने देखा था स्लाइड का जो है रंग काला पड़ गया था. तो ये क्या होता है, लीस्ट जो होता है हॉट होता है. सो द वेरियस जोन्स ऑफ द फ्लेम हेयर वी डिस्कस इज द आउटर जोन, जिसको हम हॉटेस्ट पार्ट बोलते हैं, मिडल जोन जिसको हम मॉडरेटली हॉट बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन जो कि लीस्ट हॉट होता है. ठीक है, आउटर मोस्ट में कंप्लीट कम्बशन होती है इसलिए इसका ब्लू कलर होता है, मिडल जोन में पार्शियल कम्बशन होती है इसलिए येलो होता है, इनर मोस्ट में जो है बहुत कम जो है कम्बशन होती है वहाँ पे जो है जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स होते हैं इसलिए ये जो है ब्लैक जोन होता है. आई होप आई एम क्लियर टू यू. अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाई, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ्स एंड व्हाई. नाउ लेट मी टेल यू,
goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सुनार होता है ना, जो फ्लेम का बिल्कुल आउटरमोस्ट पार्ट होता है, दैट इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट, उसको जो है अपनी जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मेटालिक ब्लो पाइप होता है उससे जो है ब्लो करता है, जिसको वो यूज़ करते हैं फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, इतना मैक्सिमम होता है कि ये गोल्ड और सिल्वर को भी मेल्ट कर सकता है. दैट इज़ व्हाई दे यूज़ दी आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है विच जो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ यूज बाय गोल्ड स्मिथ, इट इज़ द आउटर मोस्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट एंड हॉटेस्ट जोन होता है जो कि मेल्ट कर सकता है गोल्ड एंड सिल्वर को. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ फ्यू एंड टिल देन यू स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.